जैक स्पैरो यानी जॉनी देप ने अब तक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज के 5 फिल्मों में लीड रोल निभाया है। 2003 से 2017 तक दुनिया भर के लोगों को एंटरटेन किया है। जॉनी देप की वजह से ही इस फ्रेंचाइजी ने वर्ल्ड वाइड करीब 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई की है। इंडियन रुपीज में ये 35,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। फ्रेंचाइजी को इतना सफल कराने के बावजूद जब एम्बर हर्ड ने 2016 में जॉनी देप के अगेंस्ट केस फाइल किया था तो बिना सच जाने ही डिज्नी ने उनको इस फ्रेंचाइजी से निकाल लिया था। अब जाके इस केस में जॉनी देप का सच बाहर आ रहा है और सारे सबूत एम्बर हर्ड के खिलाफ जा रहे हैं। रिसेंटली कोर्ट में जॉनी देप से पूछा गया था कि अगर केस जीतने के बाद डिज्नी फिर से मुंह मांगी रकम के साथ उनको फिल्म में रिकास्ट करना चाहे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो अब किसी भी डिज्नी की मूवीज में अपेयर नहीं होंगे। इस डिसीजन से डिज्नी को तो फ्यूचर में लॉस होगा ही, मगर सबसे बड़ा झटका हम फैंस को लगेगा क्योंकि अब हम कभी कैप्टन जैक स्पैरो को दोबारा नहीं देख सकेंगे।